पानी में युवक बह गया, पानी में रेहड़ी बह गई, पानी में बाइक बहते चली गई। पानी का ऐसा रौद्र रूप आपने कभी देखा होगा। इन तस्वीरों ने लोगों के मन में पानी का खौफ पैदा कर दिया है। इस पानी का बहाव इतना तेज है कि एक शख्स इसमें बहते चला आ रहा है। इस शख्स को बचाने के लिए लोगों ने खूब हाथ पांव मारे, किसी ने हाथ बढ़ाया तो किसी ने कूद कर बचाने की कोशिश की, लेकिन वो बहता चला गया। पानी के आगे किसी की एक नहीं चली। देखिए कैसे एक शख्स बहता चला जा रहा है। बहाव इतना तेज है कि वो संभल नहीं पा रहा। इसने बहुत हाथ पांव मारे लेकिन बात नहीं बनी। पानी का बहाव उसे अपने साथ ले गया। इस शख्स का क्या हुआ ये अब तक साफ नहीं है। गलियों में बहते इसी पानी में रेहड़ी बाइक सब बह गए। ये अजमेर का मशहूर दरगाह बाजार इलाका है। अजमेर शरीफ आने वाले लोग इसी बाजार से होकर गुजरते हैं। अक्सर गुलजार रहने वाला ये बाजार अब पानी से लबालब है। पानी के गुस्से से खुद को बचाने के लिए लोग किनारे हो गए। सड़क पटरी से लोगों ने अपना सामान हटा लिया। आप ये तस्वीर देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी का रूप कितना रौद्र है। अजमेर में कुदरत के कहर की एक और तस्वीर देखिए। भारी बारिश में एक मकान तिनके की तरह गिर गया। मकान के मलबे में 5 लोग दब गए। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। अजमेर के सबसे बड़े अस्पताल JLN की हालत भी देखिए। वार्ड विभाग सब पानी पानी है। ENT विभाग में तो मरीज नजर ही नहीं आ रहे, सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि पूरे अस्पताल में पानी भर गया है। यहां आने वाले मरीज बहुत परेशान हैं, और ऐसा नहीं कि ये पहली बार हो रहा है। हर साल बारिश में अस्पताल का यही हाल होता है। जबरदस्त बारिश के बाद अजमेर की कॉलोनियों में पानी भर गया है। प्रशासन ने एहतियातन NDRF और SDRF को अलर्ट किया है।